तो हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं का हिंदी विशिष्ट रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व बताने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में है रहस्यवाद। यहाँ पर आंसर होगा रहस्यवाद। वह जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता कहलाता है। गौरा को किसी ने खालिस्तान से लपेटकर सुई खिला दी थी, गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी थी। वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं दो या तीन, तो यहाँ पर प्रमुख गुण तीन होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, रहस्यवाद, कायरता, गुड़ में और तीन। सेकेंड क्वेश्चन है, कथनों के सही विकल्प चयन कीजिए। तो हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, जो माना जाता है भारतेंदु के युग को। भारतेंदु का युग ही था जहाँ कविता का जागरण अत्यधिक मतलब मात्रा में किया जाता था, अत्यधिक मात्रा में कविता का जागरण होता था। बी नंबर है, नए मेहमान आए थे, तो बिजनौर से नए मेहमान आए थे, ना कि लखनऊ से। और थर्ड है, हिंदुओं के पवित्र चार धाम इस किस राज्य में है? तो हिंदुओं के पवित्र चार धाम उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो पवित्र चार धाम है, नाम उनका, वो उत्तराखंड पे ही है। मुंह उतरना का अर्थ है डर जाना या उदास होना, तो इसका आंसर भी है उदास होना। देख लीजिए, पहले का भारतेंदु युग, दूसरे का बिजनौर, तीसरे का उत्तराखंड और फोर्थ का भी उदास होना। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ट्रू एंड फॉल्स, सत्य सत्य छांटिए। तो बच्चे लाइन में लग जाएंगे, यह सरल वाक्य नहीं, यह सरल वाक्य नहीं है, नहीं नहीं ये सरल वाक्य है, यह सत्य है, यह राइट है, सत्य है। बच्चे लाइन में लग जाएंगे सत्य है। क्रोध का प्रभाव से प्रसन्नता आती है, जी सत्य हो जाएगा। क्रोध के प्रभाव से प्रसन्नता नहीं आती है, खुशी के स्वभाव से प्रसन्नता आती है। थर्ड है, और थर्ड है प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से आरंभ हुआ, ये भी असत्य है। क्या आप खाना खा लिए हैं, वाक्य असत्य है, ये सत्य है। रिवाइज कर लें, तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा भी असत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है, पहला चौथा सत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। पहला ऑप्शन जो साध्य, साध्य का होगा असाध्य। वापसी, वापसी का हो जाएगा हमारा उषा। वापसी का है उषा प्रियन वंदा। और गौरा का हो जाएगा महादेवी वर्मा। दांत खट्टे करने का अर्थ जाएगा परास्त करने। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक का उत्तर एक साथ एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, घर के पड़ोस में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पड़ोसी। देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रेत कैसा है? काला है, काले कलर का है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, आप सभी को पता होगा, मातृभाषा है। उच्च गुण से युक्त कोई दो पंक्तियाँ लिखिए। तो दोस्तों एक पंक्तियाँ हैं, बंदेलो हरोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, इसी लग देना है आपको, बंदेलो हरवेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और दूसरी लग देनी है, खूब दरी मर्दान की भाई तो झांसी वाली रानी थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बाकी छठवें सातवें नौवें क्वेश्चन के भी फुल सॉल्व आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।